ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट जींद के गांव बख्तावरपुर के पहलवान सोमवीर राठी के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। इन दोनों पहलवानों ने देश और समाज को एक संदेश देने का फैसला करते हुए शादी में 7 नहीं 8 फेरे लिए। 8वें फेरे में वर और वधु ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाने की शपथ ली। विनेश सोमवीर की जोड़ी अब रियो की कमी को पूरा करते हुए टोक्यो में परचम लहराते हुए गोल्ड जीतने की मंशा से मेहनत करने का भी प्रण लिया। दोनों ने गांव में चकाचौंध की बजाय पारंपरिक रीति रिवाज व बिना दहेज की शादी करके आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल कायम की है। आज विनेश से मेरी शादी है, वैसे तो शादी में 7 फेरे होते हैं और आज हम 8वां फेरा लेंगे। 8वां फेरा हम ये लेंगे कि बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। और मैं एक समाज में एक ये देना चाहता हूँ सीख की बेटियाँ बेटों से कम नहीं है और उन पर भरोसा करो और उनको बढ़ावा दो, वो बहुत आगे चल के आपका नाम रोशन करेंगे। और उसके बाद अभी आज विनेश की शादी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और छोटी बहन है मेरी विनेश और मैं मेरा बहुत ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद उसके साथ है। और जहाँ तक मुझे जितना बेनिफिट मिला शादी के बाद उनके साथ मुझे रह करके ट्रेनिंग में चाहे कहीं भी, और वैसे ही विनेश की शादी जिनसे हो रही सोमवीर को वो भी रेसलर हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मेल मैं कहूँगी। और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में विनेश सभी शादी के बाद और पूरा फोकस पूरा अच्छी तरह रेसलिंग में और अच्छी से लगाएगी और आने वाले ओलंपिक्स में देश को मेडल भी देगी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।